जय हिंद साथियों। साथियों बात करते हैं सेना भर्ती रैली 2021 में कब होगी। सितंबर माह के अंदर सेना भर्ती रैली का आयोजन नहीं होगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, 6 सितंबर से होने वाली सेना भर्ती रैली कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई है दोस्तों। इसकी अगली सूचना के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, इस सेना भर्ती रैली के लिए आपको आज अंतिम दिनांक 20 अगस्त तक अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसी के आधार पर अगली सेना भर्ती रैली में आप भाग ले सकोगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको इस सेना भर्ती रैली की कन्फर्म जानकारी के लिए पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सितंबर माह के अंदर सेना भर्ती रैली कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख आज 20 अगस्त तक है दोस्तों। इसी पंजीकरण के आधार पर अगली सेना भर्ती रैली के लिए जो नई तारीख आएगी उसमें अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे दोस्तों। दोस्तों देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। और दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि 6 सितंबर से होने वाली सेना भर्ती रैली कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की दिनांक आज 20 अगस्त तक है दोस्तों। इसी पंजीकृत के आधार पर युवा अगली सेना भर्ती रैली में भाग ले सकेंगे दोस्तों। जब भी इस सेना भर्ती रैली की नई तारीख आएगी दोस्तों, उसी के सेना भर्ती रैली के अंदर जाने के लिए आज अंतिम दिनांक है 20 अगस्त 2021 दोस्तों। तो आप 6 सितंबर से शुरू होने वाले सेना भर्ती रैली कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की जो युवाओं के लिए 20 अगस्त तक खोल दी गई है सूचना, उसके लिए आपको 20 अगस्त तक अपनी अंतिम दिनांक के आधार पर अपनी ऑनलाइन आवेदन करना होगा दोस्तों। यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अंतिम दिनांक 20 अगस्त है। सेना भर्ती रैली निदेशक कर्नल सिद्धार्थ वसु ने बताया है कि कोविड-19 के कारण सेना भर्ती रैली का जो रद्द करने का निर्णय लिया है दोस्तों। हालांकि युवा अपने रजिस्ट्रेशन संभाल कर रखे दोस्तों। इसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर अगली सेना भर्ती रैली की तिथि जारी होगी, उसमें भाग ले सकेंगे दोस्तों युवा। तो 6 सितंबर से जो शुरू होने वाली 30 सितंबर तक चलने वाली सेना भर्ती रैली है वो रद्द कर दी गई है। इस सेना भर्ती रैली में वाराणसी के साथ चंदौली, गाजीपुर, संत रविदास, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, आजमगढ़, महुआ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे दोस्तों। इसके अलावा छावनी स्थित रणबांकुरा मैदान में इस सेना भर्ती रैली का आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है दोस्तों। परंतु सेना भर्ती रैली कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई दोस्तों। दोस्तों सेना भर्ती रैली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसके लिए आगामी सेना भर्ती रैली में भाग लेने के लिए नवयुवकों को अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए भारतीय सेना भर्ती रैली की पोर्टल जो है joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसी के आधार पर आपको जो पंजीकृत है उसी के आधार पर अपनी सेना भर्ती रैली में जाने के लिए आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सेना के अधिकारी है जो कर्नल सिद्धार्थ बसु है, उसने कहा है कि सेना भर्ती रैली जो कोविड-19 के कारण सेना भर्ती रैली की तिथि आगे बढ़ा दी गई है, जो जल्द ही नई तिथि घोषित की जाएगी, उसके आधार पर युवाओं को सेना भर्ती रैली में भाग लेने के लिए अभी तक 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों आज 20 अगस्त है, आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हो यानी वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, संत रविदास, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, आजमगढ़, महुआ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर के अभ्यर्थी आप सेना भर्ती रैली में जाना चाहते हो तो अपना ऑनलाइन आवेदन आज 20 अगस्त तक करना होगा दोस्तों। दोस्तों और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अंत में जय हिंद जय भारत दोस्तों।